क्या आप जानते हैं पुरातन मंदिरों में और हर मनुष्य के शरीर की रचना में काफी समानता है। सच तो ये है कि पुरातन हिंदुओं ने मंदिरों की रचना इस प्रकार की थी कि मंदिरों को उन्होंने एक जीवित रूप दे दिया था। अब इन मंदिरों में और मनुष्य के शरीर में क्या समानता है और इसके बारे में हमारे पुरातन शास्त्र क्या कह रहे हैं, चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। अगम शास्त्र ये एक पुरातन शास्त्र है जिसमें मंदिरों की रचना, शिल्प, उनका निर्माण और विधि इसके बारे में विस्तार में लिखा गया है। अगम शास्त्र में ये लिखा गया है कि देवताओं को दो दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है, उसे निष्कल यानी कि फॉर्मलेस या फिर सकल यानी विशिष्ट पहलुओं में बना हुआ यानी किसी फॉर्म में, ऐसा कहा गया है। निष्कल ना ही स्पष्ट होता है ना ही उसे देखा जा सकता है। अगम शास्त्र में निष्कल के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि तिल में छुपा हुआ तेल दिखाई नहीं देता, ईंधन में छुपा हुआ अग्नि दिखाई नहीं देता, फूलों में सुगंध पहले से ही होती है, वैसे ही हर मनुष्य अंतर्यामी होता है। मनुष्य में छुपी ये शक्ति हम देख नहीं सकते। इन्हीं उदाहरणों को अगम शास्त्र में सकल रूप में भी बताया गया है, जैसे कि तिल से निकला हुआ तेल जब वास्तव में बाहर आता है तब वो सकल है, ईंधन से प्रकट हुआ अग्नि और फूलों से बाहर आई हुई खुशबू जिसे हम सूंघ सकते हैं वो भी सकल बन जाती है। मंदिर की तालबद्धता, शिल्पकारों की कौशलता और मंदिर की वास्तुकला की संपूर्णता, इन सब से भारतीय मंदिरों की वास्तुकला परिपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि सही शास्त्रों से और पद्धतियों से निर्मित हुआ मंदिर सतत शांति और आनंद को विकीर्ण करता है, जिससे समाज में शांति स्थापित होती है। सिमेट्री और प्रोपोर्शंस के बिना कोई भी मंदिर संपूर्ण नहीं हो सकता। सही पद्धति से निर्मित मंदिर पूर्ण ब्रह्मांड के साथ एकरूप होके निर्मल और शुद्ध बन जाता है। लेकिन सिमेट्री इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है? किसी भी चीज में या वस्तु में अगर संतुलन ना हो तो उस वस्तु में स्थिरता और पूर्णता नहीं आ सकती। हम हर चीज में बैलेंस करना चाहते हैं और यही प्रिंसिपल मंदिरों में भी होता है। इसीलिए मंदिरों की वास्तु को अत्यंत संक्षिप्तता से निर्मित किया जाता है। हिंदू शास्त्रों में एक बात हमेशा कही जाती है कि जो पूरे ब्रह्मांड में है वही पहले से मनुष्य के भीतर भी स्थापित है। इसीलिए मंदिरों की रचना और मनुष्य के शरीर की रचना में इतना ज़्यादा संबंध है। पृथ्वी को हम माँ कहते हैं और पृथ्वी को जीवित रूप में देखा जाता है। पृथ्वी अनेक जगह शक्ति को प्रसारित करती है और यही शक्ति वास्तुशास्त्र का मुख्य अंग है। इस शक्ति को वास्तु पुरुष कहा जाता है। पुरातन मंदिर और सभी पुरातन वास्तु इसी वास्तु पुरुष मंडल के आधार पर निर्मित किए जाते थे और इस वास्तु पुरुष मंडल को साइट प्लान की तरह देखा जाता है। वास्तु पुरुष भी हमारे शरीर की तरह पंच महाभूतों से बना हुआ है। संस्कृत में ये कहा जाता है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो सूक्ष्म जगत में है वही संपूर्ण ब्रह्मांड में भी है। वास्तु पुरुष मंडल भी ब्रह्मांड का संक्षिप्त रूप है। वास्तु पुरुष मंडल 6000 BC से 3000 BC में डेवलप हुआ होगा ऐसा कहा जाता है। वास्तु पुरुष मंडल दो ग्रिड में होता है। एक 8x8 का स्क्वायर मंडल होता है जो ज़्यादा करके मंदिरों में पाया जाता है और 9x9 की ग्रिड घरों के लिए होती है। वास्तु पुरुष का सिर ईशान्य दिशा यानी नॉर्थ ईस्ट में होता है और पैर नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट दिशा में होते हैं। हर मनुष्य में 7 चक्र होते हैं और वास्तु पुरुष मंडल के पैर के पास मूलधार चक्र होता है जो भूमि से संबंधित है। क्योंकि ये वास्तु पुरुष का बेस है, इधर मजबूत नींव बनाई जाती है। स्वाधिष्ठान चक्र पेट के निचले भाग में होता है, ये पानी से संबंधित है, ये नैऋत्य दिशा की ओर होता है और यहाँ स्नानघर को बनाया जाता है। मणिपुर चक्र नाभि में होता है जहाँ पचन शक्ति की ऊर्जा यानी अग्नि का वास होता है। विष्णु जी के नाभि से ही ब्रह्मदेव का उगम हुआ था, इसीलिए नाभि से जीव ब्रह्मांड से जुड़ जाता है, उसी कारण ये भाग खुला रखा जाता है। अनहद चक्र हृदय से पास होता है कि फेफड़ों के कारण वायु से संबंधित है। फिर विशुद्ध चक्र आता है जो कंठ में होता है,
यहाँ से ध्वनि का जन्म होता है। ये आकाश से संबंधित है और ये ध्वनि ओम का नाद है। दोनों आँखों के बीच अजन चक्र है, ये भी आकाश से निगड़ित है। ईशान्य भाग ज्यादा करके शीतलता में होता है। यहाँ सहस्रारा चक्र होता है और यही पूजा घर का स्थान भी है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार 10 दिशा है और हर दिशा के रक्षक भगवान है, जिन्हें दिक्पाल कहा जाता है। कई मंदिरों में इन दिक्पालों की मूर्तियां दिशाओं के अनुसार बनी हुई दिखाई देती है। ईशान्य दिशा में शिव भगवान है, पूर्व दिशा में इंद्रदेव है, आग्नेय दिशा में अग्निदेव है, दक्षिण दिशा में यमदेव है, वायव्य दिशा में वायु है, पश्चिम में वरुण देव है, नैऋत्य दिशा में नित्री देव है, उत्तर दिशा में भगवान कुबेर है और मध्य में ब्रह्म और विष्णु है। विश्वकर्म्य वास्तुशास्त्र में एक संस्कृत स्तोत्र है और इस स्तोत्र में हिंदू मंदिर की पूरी रचना को बताया गया है, जिसका अर्थ होता है कि मंदिर का गर्भगृह ये मनुष्य का सिर है, अंतराल ये गला है जिससे गर्भगृह में प्रवेश किया जाता है, अर्धमंडप को मानव की छाती कहा गया है, महामंडप पेट है तो ध्वज मंडप मेल ऑर्गन है, गोपुरम या मंदिर के प्रवेश द्वार को मनुष्य के पैर कहा गया है। मंदिर मनुष्य और भगवान के बीच की एक कड़ी है। मंदिर के शिखर को विमान कहा जाता है। अगर हम इस तरह मंदिर के प्लान और एलिवेशन को देखेंगे तो हमें लेटा हुआ एक मनुष्य दिखेगा। मंदिर में और भी कई सारी चीज़ें हैं, यंत्र और मंदिर की भिन्न मूर्तियाँ, इनके बारे में हम आगे के भागों में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आपके समय के लिए आपका धन्यवाद। प्रणाम।